हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th का, जो हिस्ट्री का हम अपनी थीम 7th पे पहुँचे हैं, दैट इज़ चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। अब ये चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन क्या है, तो अभी अगर हम अभी तक की जो हमारी हिस्ट्री थी उसकी सीरीज़ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर में अपना पढ़ा था कि हम ह्यूमन एज एन ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से स्टार्टिंग के अर्बन एरियाज आए, जिसमें हमने मेसोपोटामिया वगैरह के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारा रोमन एम्पायर था, ठीक है, जो कि तीन, उसमें फिर हमने देखा बाइजेंटाइन एम्पायर आया कि किस तरह से ये फैले हुए थे, तीन तीन महाद्वीपों में ये फैले हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा इस्लाम के बारे में पढ़ा, इस्लाम के साथ हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा, और फिर हम देखते हैं उसके आगे जब हम तीन वर्ग वाला अपना चैप्टर देखते हैं कि हमारे थ्री ऑर्डर्स थे फ्रांस और इंग्लैंड में स्पेशली, तो हम उसमें ध्यान देते हैं कि रोमन एम्पायर कहीं ना कहीं टूटने लगा था, ठीक है। तो वो जो रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ पे एक और जगह पढ़ने वाले हैं हम इटली की। हमने अलग अलग चैप्टर में यूरोप के अलग अलग सेंटर्स की बात करी। अब आप देखो वर्ल्ड हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री से क्यों लिंक्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में मैक्सिमम पार्ट अभी तक का यूरोप के साइड ही क्यों देखा, ठीक है। हमने जब ह्यूमन का इवोल्यूशन देखा तब हमने देखा अफ्रीका से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमने यूरोप में ही देखा। क्यों? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की हिस्ट्री, जो सिविलाइजेशन की टर्म है, वो आती है कहीं ना कहीं कहाँ से, यूरोप से स्टार्ट होती है, और यूरोप के अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हुई, ठीक है। अब यहाँ इटली में जो हम देखने वाले हैं, इटली में एक चीज़ें होती है रेनेसा। रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण, यानी कि लोगों को समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो पहले के थ्री ऑर्डर्स थे अब लोग उनका क्रिटिक करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम उनका क्रिटिक देखेंगे इस चैप्टर में कि ये चीज़ें कैसे कैसे शुरू होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बात हो रही है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक की, ठीक है। 14th से 17th सेंचुरी में क्या होता है, अब एक डिवाइड एक क्रिएट होता है किसके बीच में, कि कुछ कहलाता है अर्बन कल्चर और एक कल्चर कहलाता है हमारा रूरल कल्चर। अब ये अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंस आता है, अब लोगों को समझ में आता है कि वॉट इज़ सिविलाइज्ड थिंग, सिविलाइजेशन क्या है, रूरल पीपल क्यों सिविलाइज नहीं है। सभ्यता वाली टर्म आती है जब आप देखते हो कि जब कॉलोनाइजेशन होता है, यानी कि जब औपनिवेशीकरण होता है, तो ये कहा जाता है यूरोपियंस के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि हम भारत में आए हैं इन्हें सभ्यता प्रदान करने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की स्टार्टिंग, वो सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो 14th to 17th सेंचुरी में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पर बेसिकली हम इटली के तीन शहर पढ़ने वाले हैं, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें शुरू होती हैं स्टार्टिंग में। आप मैप में देखोगे कि तीनों अलग अलग जगह ऐसे इंडिकेटेड मिलेंगे आपको इटली के मैप में, जैसे ये मान लो इटली का मैप है, यहाँ तीन जगह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे कि हम क्या देखने वाले हैं। हाँ, तो जैसे ही ये तीनों जो हमारे स्टेट, जो हमारी जगह है, शहर हैं, वो डेवलप होते हैं, उसके बाद क्या होता है, पेंटिंग इमर्ज होना शुरू होती है। अलग अलग तरीक़ों से हमने अपने आप को डेवलप किया है, जो रेनेसा इटली में आता है, यानी कि जो पुनर्जागरण होता है इन जगहों पे, अलग अलग पैटर्न में आता है। अब किसी भी चीज़ के कल्चर की जब हम बात करें, जब हमने कल्चरल की चेंजिंग ट्रेडिशंस की बात करी है, तो कल्चरल का चेंजिंग ट्रेडिशन इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो वहाँ की प्रिंटिंग से, वहाँ की पेंटिंग से, वहाँ की बुक्स से, इन सारी चीज़ों से इन्वॉल्व, यानी कि इंडल्ज होता है, कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या हम देखने वाले हैं कि ये चीज़ें बुक्स जब प्रिंट होने लगती हैं तो किस तरह से डिस्टेंट टाउन से उनसे इनका रिलेशन बनने लगता है, अलग अलग दूर दराज तक वो बुक्स पहुँचती हैं, तो कल्चर पहुँचता है यूरोप का, ठीक है। ग्रीक और जो रोमन है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है और जो एंशियंट वर्ल्ड है, उसमें डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। तो पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि अर्बन और रूरल का डिफरेंस क्रिएट होने लगा। दूसरा डिफरेंस जो हम देख रहे हैं वो है कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री का और जो मॉडर्न वर्ल्ड आने लगा है, एंशियंट और मॉडर्न का एक डिफरेंस अब समझ में आने लगा है, जो हम देखेंगे पर्टिकुलर टॉपिक में जाके। इसके अलावा क्या है, सब ने जो पहले अपने आप को रिलीजन से एसोसिएट कर लिया था कि भाई धर्म इम्पॉर्टेंट है, जो हमने क्लर्गी, जो हमारी सोसाइटी थी, क्लर्गी वाला जो सेक्शन था, जो पादरी वर्ग था, उसे इतना इम्पॉर्टेंट बना दिया था, ठीक है। और हमने हर चीज़ को अर्थ सेंट्रिक मान लिया था, यूरो सेंट्रिक मान लिया था, कि सब चीज़ यूरोप सेंट्रिक व्यू से देखी जा रही थी। मेडिटेरियन सी को दुनिया का सेंटर मान लिया गया था, यानी कि पहले पादरी वर्ग के द्वारा ये चीज़ें, ये परसेप्शन बनाए गए थे कि जो स्टार्टिंग हो रही है, जो ये शहर है जो बन रहा है, जितना भी चीज़ें हैं, दुनिया जो चल रही है, वो मेडिटेरियन सी के अराउंड चल रही है। और मेडिटेरियन सी कहाँ है, इटली के पास, अभी हम मैप में देखेंगे। उसे अर्थ का सेंटर बना दिया गया, वर्ल्ड का सेंटर बना दिया गया, कि दुनिया यहाँ से इन्वॉल्व हो रही है। क्यों बनाया गया उनके द्वारा, क्योंकि वो अपने धर्म को, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास बात आती है कि सोर्सेज कैसे कैसे हैं, किन किन सोर्सेज से हमें पता चलता है।
तो देखो अलग अलग तरह की चीज़ें क्या क्या है कि यूरोपियन हिस्ट्री की जब हम पता लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है। 14th सेंचुरी के अराउंड में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रिंटेड बुक्स हो जाती हैं, पेंटिंग्स हो जाती हैं, मूर्ति बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इन सारी चीज़ों से क्या होता है आर्ट गैलरीज हैं, म्यूजियम्स हैं यूरोप के, अमेरिका के, जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, हम हिस्ट्री का पता लगा पाते हैं, हम क्या पता लगा पाते हैं क्या था क्या नहीं था, क्या चीज़ थी तो कैसे थी। ठीक है, अगर हम इसके आगे देखें तो अब हमें समझ में आएगा कि किस तरह से 19th सेंचुरी के अराउंड में एक चीज़ वर्ड आती है रेनेसा, यानी कि पुनर्जागरण, पुनर्जन्म होता है एक तरह से, रीबर्थ वाली चीज़ें आती है कि कल्चरल चेंज हो रहा है। अब ये स्टार्टिंग कौन करता है इस टर्म की? इस टर्म की स्टार्टिंग करी जाती है एक स्विस स्कॉलर द्वारा जिसका नाम है जैकोब बुर्चार्ड। ठीक है, ये कौन थे? ये एक स्टूडेंट थे एक हिस्टोरियन के। अब इनके टीचर का नाम क्या है? ये जर्मन हिस्टोरियन थे लियोपोल्ड वॉन रैंके। ठीक है, तो रैंके ने इन्हें क्या सिखाया? रैंके ने इन्हें यही सिखाया जो उन्होंने किया। अब रैंके ने क्या किया था? पहले सिंपल सी बात है कि अगर किसी को हिस्ट्री लिखनी होती थी तो सिंपल सा फंडा है हिस्ट्री मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उसमें जो जो लिखा गया है वो लिखो। ठीक है, वो हिस्ट्री थी, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम लिखना ही सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। इन्होंने हिस्ट्री को स्टार्ट किया कल्चर से कि जितना हिस्ट्री के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है कि राज्य में शासन कौन कर रहा है, क्या चीज़ कैसे हो रही है, उतने ही इंपॉर्टेंट क्या है आपका कंसर्न कि आपका कल्चर और आपकी पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिटिक्स के अंदर कल्चर कैसे इन्वॉल्व है। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है कि सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। तो 1860 में वो एक बुक लिखते हैं अपनी जिसका नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, कि इटली में सिविलाइजेशन कैसे हो रहा है, पुनर्जागरण कैसे हो रहा है उस पर। तो उन्होंने रीडर्स का अटेंशन खींचा किस चीज़ की तरफ? लिटरेचर की तरफ, कि क्या क्या नोवेल्स लिखी जा रही हैं। ठीक है, क्या क्या ऐसा आर्टिकल आर्किटेक्चर है, पेंटिंग कैसी है, वास्तुकला कैसी है, स्टोरी बताई गई जिसे आज आप ह्यूमैनिस्ट कल्चर कहते हो कि ह्यूमैनिस्ट। ठीक है, जो आपकी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है आप देखोगे वो ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड कहीं ना कहीं इस रेनेसांस से इन्वॉल्व होकर निकला है, यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, उन्होंने अब लिखना शुरू करा कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी है इतनी कि वो खुद के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्या करा, इम्फेसिस करा कि वो आगे बढ़े, एक इंसान एज एन इंडिविजुअल आगे बढ़े, इंडिविजुअल आइडियोलॉजी उसके आगे जाए। उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रास्ट करा अब यहाँ पे कि वो मॉडर्न टाइम शुरू हो चुका है। अब क्या हुआ कि पहले देखो, अब मान लो ये कोविड एरा है, अब आपको पता है कि कोविड चल रहा है, दैट्स वाई कोविड एरा आपने नाम दे दिया। अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, तब किसी को नहीं पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो हम किसी भी एक टाइम पीरियड को टैग तब देते हैं जब हमें ज़रूरत लगती है। ठीक है, जब हम उसे समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम ये मॉडर्न एरा की बात शुरू करते हैं कि लाइक पहले क्या था कि चीज़ें गलत चल रही थी, कुछ ख़राब था, जिसके बाद हमने मॉडर्न अपना जो स्टाइल है वो अपनाया। तो जब हम मॉडर्न स्टाइल को अपनाएंगे तो पीछे वाली सोसाइटी, पीछे वाली टर्म को कुछ नाम तो देंगे किस टाइम पीरियड को। तो उन्होंने फिर पीछे वाले टर्म को मिडिवियल के नाम से जाना। ठीक है, कि चर्च का जो उस टाइम जो हमने चर्च को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिंसियर और यही है हमारे कर्ता धर्ता मान लिया था, उस टाइम को मिडिवियल माना, जिसे इन्होंने आगे जाके डार्क एज का टर्म भी दिया। और डार्क एज का टर्म ये नहीं है कि जिस समय वो पोप का शासन चल रहा था, पोप के शासन को ही हमने उसी समय से कहने लगे थे अरे हम तो डार्क एज में रहते हैं, डार्क एज में रहते हैं। नहीं, बाद में जब लोग उस पर रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्या सही था और क्या गलत था। ठीक है, तो इसी सेंस में उन्होंने आगे पढ़ाई की और रिसर्च वगैरह करा, ये सारा काम आपका हुआ है। तो अब हम बात करने वाले थे कि हमारे ये सिटीज़ हैं कहाँ जिनकी हमने बात करी कि वो इटली में इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। ठीक है, तो इटली की जो मेन सिटीज़ आती हैं वो आती हैं हमारी वेनिस, फ्लोरेंस और रोम। ठीक है, तो वेनिस, फ्लोरेंस और रोम जो थी इन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया अपना। ठीक है, तो ये जो वेनिस, फ्लोरेंस और रोम थी, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है किसकी वजह से? कोस्टल एरिया की वजह से। ठीक है, कोस्टल एरिया क्यों डेवलप करता है? यहाँ के व्यापार की वजह से। अभी हम देखेंगे पूरा कि किस तरह से ये पूरा काम करता है। ठीक है, यहाँ देखो आप वर्ल्ड के मैप में, ये स्विट्ज़रलैंड वही है जहाँ पे हमने बात करी थी कि स्विट्ज़रलैंड के जैकब बर्कहार्ट ने, ठीक है, ये सब स्टार्ट किया था सिविलाइजेशन और ये सब। ठीक है, और यहाँ से हमारी स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट हुई और उनके गुरु यहाँ जर्मन में रहते थे, तो ये आप वर्ल्ड मैप में देख लो स्पेशली। और अगर हम इसके आगे बात करें, इसके आगे हमें पता चलता है कि ये मेडिटेरियन सी है, जहाँ हमने ये बात करी थी कि पोप वगैरह ने ये चीज़ें दिखाई थी कि यहाँ पे सेंटर है पूरी अर्थ का और यहाँ से अर्थ पूरा काम करती है या हम लोग सेंटर में रहते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या था? आप देखो ऊपर वाली साइड जो है यहाँ पे,
इसके अलावा क्या था? अब देखो यहाँ जो ऊपर वाला हमारा सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म आ गया था, पोप, चर्च, ठीक है, फ्रांस, और ये इंग्लैंड वाला पोर्शन आ चुका, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बाइजेंटाइन एम्पायर कहीं ना कहीं वर्क कर रहा था यहाँ पे और इस साइड वाले थोड़े से इलाके में। इसके अलावा हमारा इस्लाम तो आ गया था पूरे एशिया के इस वाले पोर्शन में। अब हमारा बचा कौन सा? इटली वाला सेक्शन बचा हमारा, ये वाला। यहाँ पे किसी चीज़ का सेंटर नहीं हुआ गया, यहाँ पे कोई नहीं आया, या कह लो कि यहाँ पे कोई मतलब पॉलिटिकली ओरिएंटेड नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ का धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या हुआ, पतन हुआ। लेकिन इसी इन्हीं फीचर्स की वजह से व्यापार जब इन साइड वाले लोगों में बढ़ा ना, तब इटली को फ़ायदा हुआ। अब जैसे मैंने पहले भी अभी मैप में आपको बताया था कि किस तरह से क्या हुआ कि साइड वाली जो चीज़ें थी, लाइक साइड वाली जो कंट्रीज़ थी, वो ज़्यादा अपने सेंट्रिक होने लगी थी, उनके पास अपनी लीडरशिप थी, लेकिन इटली के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हम कह सकें कि वो वहाँ से लीड कर रहा हो। कोई उनका पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, सोवर्निटी नहीं थी उनके स्टेट में। अब क्या हुआ, कोई भी पॉलिटिकल फिगर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, जबकि हमने देख लिया कि यूरोप जो है धीरे धीरे रीशेप हो रहा था, यानी कि वहाँ पे चेंजेस आ रहे थे कि किस तरह से लेटिन चर्च ने वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न साइड के यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने अकॉर्डिंग ले लिया। चर्च वगैरह, ये सब पोप वगैरह यहाँ पे प्रेवलेंट हो गए। ईस्टर्न में आपने देख लिया बाइजेंटाइन एम्पायर, फिर हमने इस्लाम देख लिया, आगे चले तो हमारा मंगोल एम्पायर आ गया था, लाइक जो हमारे वो चंगेज़ खान वाला था, जो चैप्टर थीम 5 थी, जो हमने इस बार सिलेबस की वजह से छोड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन इटली एक ऐसा स्पेस बची, ऐसी जगह बची जहाँ पे किसी ने क्या किया, किसी ने भी अपना लाइक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कोई यहाँ पे सेंटर नहीं था। बाद में यही जो कल्चर था, यही इसके कल्चर, इटालियन कल्चर को चेंज करने वाला रीज़न बना कि जिसकी वजह से इटालियन कल्चर चेंज हुआ। जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर ने व्यापार शुरू करा, अब देखो फ़ायदा काम किसके और का, और फ़ायदा इटली को हो गया किसी वजह से, पोर्ट्स की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे पोर्ट की वजह से फ़ायदा कैसे हुआ। अब जैसे ही इटली का एक्सपेंशन होता है, इटली का एक्सपेंशन कैसे होता है, बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज़ के व्यापारिक व्यापार बढ़ने से, ठीक है। तो जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, ठीक है, और जो इस्लाम था, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन हुआ किसका, व्यापार का। व्यापार बढ़ा, अब सामान आएगा जाएगा, तो जो भी समुद्री रास्ता होगा उसका यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा जो मंगोल थे, उन्होंने सिल्क रूट को खोला जो चाइना के थ्रू के जाता था, ठीक है, और वहाँ से व्यापार करना शुरू करा, जो हम थीम 5 पे हमने डीपली पढ़ते हम लोग, ठीक है, अगर किसी के पास टाइम हो लाइक तो हम पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। ये थीम 5 में हमने देखा, देखते हम लोग कि मंगोल ने जो अपना व्यापार शुरू करा बाइजेंटाइन एम्पायर और चाइना और ये सब, जो हमारा साउथ एशिया वाला वर्ल्ड था, पूरा चाइना का सिल्क रूट हमने यूज़ करा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट कर रहा था इन सारी चीज़ों से, वो इटली थी। इटली ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया, ठीक है। अब वहाँ पे कोई एक देश नहीं था, ये नहीं कह सकते वहाँ पे एक राष्ट्र राज्य बन गया था, नेशन स्टेट था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हर किसी का अपना खुद का एक तरह से स्टेट ही प्रेवलेंट था, और स्टेट में ही सारी पावर थी। और स्टेट होने के बावजूद कि वो कोई देश नहीं है, स्टेट ही स्टेट है, मतलब कोई देश नहीं है, सिर्फ एक सिटी है, ठीक है, शहर ही प्रेवलेंट है पूरा उनके यहाँ पे, फिर भी वो लोग बहुत प्राउडली कहते थे कि हाँ भाई ठीक है, हम इस शहर के नागरिक हैं या रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली वो कोई देश नहीं बना, कुछ नहीं बना। लेकिन द थिंग वॉज कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होने लगा। तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको मैप में भी बताया था कि यहाँ पे आपका आ गया फ्लोरेंस, ठीक है, रोम है, ऊपर वेनिस है। तो यहाँ पे देखो इटली एक सिंपल एक कंट्री की तरह नहीं दिखाई दे रहा आपको, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये शहर धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट करी। और इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग सिटीज़ में से एक है वेनिस, ठीक है, जो कि, और दूसरा है जिनोआ, ठीक है, जो अभी आप मैप में देखोगे, ठीक है। ये जो डिफरेंट पार्ट है, ये यूरोप के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करते थे, ठीक है। क्लर्गी जो थे वो पॉलिटिकली यहाँ पे इतने डोमिनेंट नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, फ्यूडल लॉर्ड्स भी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, जो रिच मर्चेंट थे, जो बैंकर थे, वो लोग अपना रोल प्ले करते थे शहर की गवर्निंग में, कि उन्हें गवर्न कैसे करनी है सिचुएशन को। सिटीजनशिप का यहाँ से आइडिया इवॉल्व होता है, जिसकी जड़ पकड़ी जाती है नागरिकता की। हाँ, हम नागरिक हैं, अधिकार हैं, अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे, कोई हमारे ऊपर नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि राजा की बात मानी जाए। ये कहीं ना कहीं यहाँ से इवॉल्व होना शुरू होता है। कहो तो कुछ टाउन्स में ऐसा था कि मिलिट्री डेस्पोट्स थे, यानी कि मिलिट्री के द्वारा वो रूल किए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को गर्व था कि ठीक है, हम यहाँ रहते हैं, हमने यहाँ अपने आप को डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें। तो देखो अब यहाँ पे बात की जा रही है सिटी स्टेट की। अभी दाय सिटी स्टेट क्या है, आप इस पैराग्राफ में देखोगे तो एक राइटर की बात करी जा रही है, कि एक राइटर थे कार्डिनल गैस्परो कॉन्ट्रानी। उन्होंने अपने ग्रंथ में, एक तरह से अपनी एक बुक में लिखा था कि अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, जो वेनिस अपनी स्टेट सिटी स्टेट में थी इनके, ठीक है, द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, कि कैसे इनकी गवर्नमेंट काम करती थी।
तो इन्होंने कहा है कहीं ना कहीं जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वैनिटी एंड कॉमनवेल्थ में, ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं कि हर किसी को अधिकार है वहाँ पे सरकार का पार्ट बनने का या फिर उसमें काम करने का जो भी 25 साल से ऊपर बढ़ जाते हैं, यानी कि 25 ईयर्स के ऊपर के पुरुष को, यानी कि मैन को, जेंटलमैन को ये राइट हो जाता है कि वो अब गवर्नमेंट के गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके, इंडल्ज हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे वो फिर जस्टिफिकेशन देते हैं हर चीज़ का। जस्टिफिकेशन किस चीज़ का, कि पहले क्या था, ठीक है, क्यों था, कि पहले क्या था कि जो विजडम और मतलब जो कुलीनवादी लोग हैं, जो कुलीन तंत्र में लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही अधिकार क्यों थे इन चीज़ों के। तो वो बात करते हैं कि क्यों इसलिए हमने कॉमन लोगों को इसलिए नहीं जोड़ा कि अगर किसी कॉमन लोगों की कंपनी किसी राज्य में होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपद्रव हो जाते हैं, यानी कि चीज़ें ठीक नहीं चल पाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज़ हो जाती हैं सिटीज़ में। फिर वो कहते हैं इसी कॉन्ट्रेरी ओपिनियन में, यानी कि इसके अगेंस्ट बोला जाता है कि अगर कोई कॉमनवेल्थ है और उस पर गवर्न किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अमीरों के द्वारा, तो जो ऑनेस्ट सिटीजन्स हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो ज़्यादातर गरीबी में ही पलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक आइडिया इमर्ज किया कि भाई जो कुलीन तंत्र के लोग हैं सिर्फ उन्हें फिर पावर मिलनी चाहिए। फिर धीरे धीरे उस चीज़ को वो जस्टिफाई करते हैं कि किस तरह से 25 ईयर की एज के ऊपर के सभी को वहाँ पर राइट मिलते हैं वेनिस में, यानी कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लिबर्टी वाला अधिकार आता है कि भाई तुम भी नागरिक हो, तुम्हें भी अधिकार है, तुम भी अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। तो ये पैराग्राफ बेस्ड आ सकता है, आज तक मतलब आया नहीं है तो इसलिए दैट मच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने की बात है कि हाँ कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट की बात करी जा रही है कि किस तरह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, इंडल्ज होती है, और कितना ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था और उसके बाद में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना। अब आती है आपकी यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमैनिज्म। अब ये क्या है यूनिवर्सिटीज़ और ह्यूमैनिज्म? अब देखो सिंपल सी बात है, अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें यूरोप की, ठीक है, तो वो इटालियन टाउन्स में सेटअप हुई। अब क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली इतना कोई चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है, व्यापार स्ट्रॉन्ग होता है पोर्ट पे, ठीक है। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे ये नहीं है कि फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई थी, तो लोग क्या करते थे, रिसर्च करते थे, पढ़ते रहते थे, तो वही है कि यूनिवर्सिटीज़ इस वजह से इंडल्ज हुई। तो अब इसमें मेन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ, बोलोगना, ठीक है, इन्होंने लीगल स्टडीज़ पर बात करी, 11 सेंचुरीज़ में लीगल स्टडीज़ की पढ़ाई हुई। कॉमर्स क्या था, कॉमर्स बींग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, सिटी में क्योंकि कॉमर्स ज़्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि हमने पोर्ट वगैरह की बात करी कि ये सारी चीज़ें थी, तो लॉयर्स और नोटरीज की लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी कि कानून विद हों, लॉ पढ़ते हों। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रखा गया रिकॉर्ड कीपर्स का और जो रिकॉर्ड राइटर्स होते थे, जो डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें लिखते थे, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा पहुंच बढ़ने लगी कि उन लोगों को लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी और जो लार्ज स्केल पे जो व्यापार वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं था, रिटर्न चीज़ें होने लगी, लिखने लगे लोग बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कुछ पॉपुलर हुए, सब्जेक्ट की स्टडीज़ कुछ पॉपुलर हुई जो इतनी पहले पॉपुलर नहीं थी। यहाँ से रोमन कल्चर इमर्ज होता है और जो पुराना रोमन कल्चर था उसे लोग जानने की शुरुआत करते हैं, लोग और ज़्यादा पढ़ने लगते हैं अब कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। अगर हम रोमन कल्चर के कंटेक्स्ट की बात करें, जो फ्रांसिस्को पेटार्क हैं उन्होंने रिप्रेजेंट करा है इस चेंज को, क्या कहते हैं वो पेट्रियार्क के अकॉर्डिंग कि जो हमारी एंटिक्विटी है, जो हमारे पूर्वज की चीज़ें हैं, अगर हम वहाँ से चीज़ों को समझने की शुरुआत करेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है, हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या सही है क्या नहीं है। एक्चुअल में जो ग्रीक और रोमन की हिस्ट्री है उस चीज़ पे स्ट्रेस डाला गया कि हमें अपने एंसेस्टर्स के कल्चर को समझना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें कि ये जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, जब ये पढ़ने की शुरुआत हुई तब ये टर्म आती है हमारी ह्यूमनिज्म की, जो ह्यूमनिस्ट टर्म आती है कि अर्ली 15th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग क्या क्या पढ़ने लगे। अब जो वो लोग थे जो कुछ चीज़ें पर्टिकुलर पढ़ाते थे उन्हें ह्यूमनिस्ट कहा गया। अब क्या चीज़ें पढ़ाते थे, वो ग्रामर पढ़ाते हैं, रिटोरिक पढ़ाते हैं, पोइट्री, हिस्ट्री, मोरल, फिलोसफी। जब जो लोग ये चीज़ें पढ़ाने लगे उन्हें नाम देने लगे ह्यूमनिस्ट, और वहाँ से आपका टर्म आता है ह्यूमनिज्म, जहाँ से आप बात करते हो कि आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ते हो। जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, जो लेटिन वर्ड है ह्यूमैनिटीज़, वो डराइव होता है यहीं से कि जब रोमन लॉयर्स और रोमन के एसेस्ट, यानी कि जो एसे लिखा करते थे, रिसर्च लिखा करते थे, उन लोगों ने उस वर्ड को यूज़ करना शुरू करा, ठीक है। स्टार्टिंग में उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम में जो सीज़र थे, यानी कि जो कल्चर से जिसका लिंक था, कहीं ना कहीं उन्हें ह्यूमैनिज्म या ह्यूमैनिस्ट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा धीरे धीरे ये चीज़ जो कनेक्शन था रिलीजन से, स्किल्स पे, इंडिविजुअल की स्किल्स पे, इन सब पे डिस्कशंस और डिबेट होने लगे और इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाने लगा कि हाँ भाई अगर हम आगे इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ आए, ठीक है, जिन्हें अट्रैक्ट करा यूनिवर्सिटीज़ ने, अदर यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस चीज़ को स्टार्ट करा। जैसे कुछ होम टाउन थे पेट्रियार्क के, जो होम टाउन थे वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई कि 13th सेंचुरी के
अराउंड। अब जो सेंटर ऑफ ट्रेड था, ठीक है, अब लोग क्यों पॉपुलर होने लगे थे सेंटर ऑफ ट्रेड की वजह से। पहले ये था कि अगर कोई व्यापारिक सेंटर है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता था। अब लर्निंग की स्टेज की वजह से वो पॉपुलर होने लगे कि वो लर्न करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कुछ सिटीज़ हमारी पॉपुलर होती हैं अपने पैसे की वजह से, अब कुछ सिटीज़ पॉपुलर होने लगी वहाँ के लोगों की वजह से। अब वहाँ के लोग कैसे, जैसे फ्लोरेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ से एक लोग आते हैं हमारे डैंटे अलिगेरी। अब इन्होंने क्या किया, बहुत ही कॉमन इंसान थे जो कि रिलीजियस थीम्स पे लिखा करते थे। किस पे लिखा करते थे, रिलीजियस थीम पे। अब देखो, अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस चेंज होती है चीज़ों की, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमेशा ये नहीं है कि व्यापार है तो व्यापार ही इंपॉर्टेंट रहेगा, हर कोई अपने आप को किसी भी चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकता है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं कि रिलीजियस थीम पे वो बात करने लगे थे। इसके अलावा एक आर्टिस्ट थे जियोटो। अब ये तो जियोटो थे, ये तो भाई बहुत ही पॉपुलर हुए, ठीक है। इनके बारे में लाइक बहुत ही आप सुनोगे आगे कि आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो पेंट करते थे बिल्कुल जीवंत, यानी कि जो है एज इट इज़ उसे पोर्ट्रे करने का ट्राई करते थे पूरी फिगर्स को, ठीक है। अब लोग क्या है, बहुत एक्साइटमेंट में उस चीज़ को देखते थे क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो सिटी बन रही थी अब इटली, क्योंकि वहाँ डिबेट डिस्कशन ये सब हो रहा था, उनका क्रिएटिविटी का एक सेंटर भी बन चुका था। और यहीं से उन्हें एक टर्म मिलती है, रेनेसा मैन, रेनेसेंस मैन, ठीक है। यहाँ से इन्हें ऑफन इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट और स्किल्स जिनका इस तरह से दिखाया जाता है कि वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह की चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, अलग अलग तरह से पॉपुलर होते हैं, अलग अलग काम को करते हैं, ठीक है। और एक साथ मल्टी पर्सनैलिटी के होते हैं, जैसे आप मतलब ऑलराउंडर कहते हो। जैसे अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी कि एक इंसान स्कॉलर भी हो सकता है, यानी कि रिसर्चर भी हो सकता है, डिप्लोमेट भी हो सकता है, थियोलॉजियन भी हो सकता है, यानी कि जो रिलीजियस थीम्स पे लिखता है, और आर्टिस्ट भी हो सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स को कंबाइन करके पढ़ा जाने लगा। जैसे अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करो IAS और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो वो क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो अलग अलग फील्ड में काम कर सकता हो, अलग अलग फील्ड की उसे जनरल नॉलेज हो। तो अब ऐसे बहुत ज़्यादा होने लगी चीज़ें इटली में कि अलग अलग गुण के लोग आगे आने लगे, ठीक है। कोई ये नहीं है कि कोई एक ही चीज़ में हिट है सिर्फ, मतलब उसे बाकी कुछ नहीं आता, ये सारी चीज़ें अब नहीं रही। अब क्या आता है, ह्यूमैनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को देखा जाने लगा ह्यूमैनिस्ट व्यू में। अभी हमने देखा कि किस तरह से विश्वविद्यालय में चीज़ें इमर्ज होने लगी थी, वो चीज़ें बनने लगी थी। अब अगर हम ह्यूमैनिस्ट थॉट की बात करें तो ह्यूमैनिस्ट थॉट में वास्तव में वो क्या कर रहे थे, ट्रू सिविलाइजेशन को इमर्ज करना चाह रहे थे, यानी कि वास्तविक की सभ्यता को पाना चाह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक स्टेज के बाद वाले स्टेज को डार्क एज कहा, जो मैंने बताया आपको कि पॉप वगैरह बहुत पॉपुलर थे, रोमन एम्पायर का पूरा सिस्टम, 3 ऑर्डर्स में चीज़ें डिवाइडेड थी, पादरी वर्ग को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, तो और उन्हें अनक्वेश्चन यानी कि बिना क्वेश्चन करे उन्हें फॉलो कर लिया जा रहा था पहले, ठीक है। तो उस चीज़ को डार्क एज कहा। और जब बाद में ये चीज़ें आने लगी तो बाद के स्कॉलर्स ने बिना क्वेश्चन करे आगे वाली एज को न्यू एज का टर्म दे दिया कि भाई जहाँ से पॉप वगैरह का ये जो वर्चस्व था वो ख़त्म होता है, उसके बाद आपका न्यू एज इमर्ज होता है। पहले आपका ओल्ड एज था जिसे आपने डार्क एज कहा कि पॉप वगैरह पॉपुलर हो रहे हैं सारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका आता है यूरोप का 14th सेंचुरी की, जहाँ पे आपने 14th सेंचुरी से स्टार्ट करा उसे न्यू एज कहना कि एक अब नया समय आ चुका है। और पहले वाले टाइम को आपने क्या टर्म दे दिया, मिडल एज कह दो, ओल्ड एज कह दो, मिडिवियल पीरियड कह दो, ठीक है, जो कि आपका 1000 ईयर का पीरियड था जो कि रोमन एम्पायर के गिरने के बाद से शुरू होता है, कि रोमन एम्पायर ख़त्म होता है, चर्च वगैरह इन्वॉल्व होनी शुरू होती हैं, दिमाग पे चढ़ जाती हैं लोगों के कि भाई ग्रीक और रोमन के सारे लोगों को कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पादरी वर्ग है, और जो ग्रीक और रोमन की शिक्षाएं थी जैसे वो पहले था इतना डेवलप्ड, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और 15th सेंचुरी के आगे तो आपको पता ही है कि हमने खुद को एक मॉडर्न टाइम का, मॉडर्न एज का नाम दे दिया, ठीक है, कि हाँ भाई अब हम मॉडर्न बन चुके हैं, अब हम उस टाइम से निकल के बाहर आ चुके हैं। अब देखो इस फोटो में देखो क्या है, एक बच्चे के रूप में जीसस क्राइस्ट को दिखा रखा है कि किस तरह से, यानी कि एक तरह से पेंटिंग वगैरह इमर्ज होने लगती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ह्यूमैनिस्ट लोगों ने क्या किया, पीरियडाइज कर दिया, इनकी चीज़ें बांट दी। अब देखो बांटे किस सेंस में, अगर हम ये देखें तो 5th से 14th सेंचुरी को इन्होंने मिडल एज कहा, और मिडल एज में भी इन्होंने और बांट दिया कि सबसे डार्क एज होगी 5th से 9th सेंचुरी, ठीक है, जब एकदम से रोमन एम्पायर गिरता है और यह सारी चीज़ें होती हैं आगे, ठीक है। फिर अर्ली मिडल एजेस 9th से 11th सेंचुरी, और फिर 11th से 14th सेंचुरी, लेट
जो हमारा मिडल एजेस है, अब देखो एक एक सेंचुरी में ही 100 साल है, और ये 5th से लेके 14th सेंचुरी यानी कि लगभग 1000 सालों को ये डार्क एज की टर्म में ला रहे हैं। तो क्या 1000 सालों तक ऐसा पॉसिबल है कि एकदम से ही डार्क एज थी, सब कुछ ख़त्म था, और फिर आप एकदम से एक सदी में उठते हो और अपने आप को कहते हो कि हाँ भाई हम इतने डेवलप्ड हैं? तो इसीलिए कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि ये जो डिवीज़न है ना बिल्कुल सेंचुरी का, ये गलत है कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डेट या फेज़ फिक्स नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से आज मैं मॉडर्न हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो डिवीज़न है इसे कुछ लोग मना भी करते हैं कि किसी भी एज को डार्क एज कहना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट ही ना हुआ हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है तरीके अलग हों, कुछ और हुआ हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डेवलपमेंट ही ना हुआ हो। ठीक है, तो इसी के साथ मतलब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अब साइंस एंड फिलोसफी यानी कि अरब्स कंट्रीब्यूशन क्या था। अब अरबी लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। पहले जो चीज़ें थी ग्रीक में, रोमन में, ये सारी चीज़ें लिखी गई जो कि मिडल एज में थी, प्रेवलेंट थी। बाद में लाइक मिडल एज में इतना पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, पहले क्या था, मिडल एज में सिर्फ मॉन्क और क्लर्गी मैन तक ही वो लिमिटेड थी, नॉर्मल लोगों तक वो नहीं पहुँचते थे, सिर्फ पादरी वर्ग और ये सारे लोग ही पढ़ते थे सारी राइटिंग्स को। बाद में ये सबको पता चलने लगी जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं, और ख़ासकर ट्रांसलेशन होने शुरू होते हैं। ठीक है, कि जो इटालियन के लोग हैं जिन्हें इटली भाषा आती है, और मतलब ग्रीक की अरबी भाषा नहीं आती है, तो अरबी लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इन्होंने क्या करा, एक दूसरे में अपनी चीज़ों को चेंज करना शुरू करा, भाषाओं में ट्रांसलेशन होने शुरू हो गए। जैसे ही ट्रांसलेशन हुए तो एक भाषा की चीज़ें दूसरी भाषा के लोग समझने लगे। जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स थे 14th सेंचुरी में जो ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ते थे, किसका, जो ग्रीक राइटर है हमारे प्लेटो और एरिस्टोटल। ठीक है, जो ग्रीक राइटर है प्लेटो और एरिस्टोटल, इनकी जो राइटिंग्स थी उन्हें ट्रांसलेट करके पढ़ा जाने लगा, स्कॉलर्स जानने लगे। अरब ट्रांसलेटर क्या करते थे, इनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उन्हें ट्रांसलेट करते थे। जैसे प्लेटो को अरेबिक में अफलातून नाम से जाना जाता है, और एरिस्टोटल को अरस्तु के नाम से जाना जाता है अरेबिक में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके चेंजेस हैं जो भाषा के अनुसार हुए। कई बार तो जब राइटर्स की राइटिंग्स को चेंज करा जाता था अलग अलग राइटिंग्स, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग स्क्रिप्ट में, तो उनके खुद के नेम बदल दिए जाते थे, जैसे अभी हमने देखा अरस्तु और ये सब हो गया था। ठीक है, तो कभी कभी ये सोचा जाता था कि ये सब लोग भी यूरोपियंस थे, बल्कि वो अरबी भाषा में भी लिखा करते थे। कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जो चीज़ें पढ़ते थे लाइक जो रीड ग्रीक इन अरेबिक ट्रांसलेशन, कि ग्रीक के काम को जो ग्रीक भाषा में काम करा गया उसे अरब के ट्रांसलेशन में पढ़ते थे, भाई जिसे जो भाषा आती है उसमें वो लिख रहे हैं और यूरोप में पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है, उस चीज़ को फैलाया जा रहा है। अब क्या क्या कंटेंट था जिस पे वो काम होता था, नेचुरल साइंसेज, ठीक है, नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ा जाने लगा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों पर काम करने लगे लोग। ठीक है, इन सब चीज़ों पे लाइक क्या हुआ, रिसर्चेज और काम वगैरह होने लगे। कुछ काम हुए, कैसे काम हुए, जैसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा गया पटोलमे अल्मागिस्ट, ये क्या है, एक राइटिंग है, एक तरह से बुक है, ठीक है, जो कि लिखी गई थी ग्रीक भाषा में, बाद में ट्रांसलेट हुई अरेबिक भाषा में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जैसे अरेबिक भाषा में आर्टिकल के आगे हमेशा AL जब लगा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा माना जाता है, उनकी एक पहचान है, अपना खुद का कल्चर है। ठीक है, अरेबिक कनेक्शन का वो कहीं ना कहीं शो करता है। इसी तरह से जो मैन ऑफ विजडम है, जो इटालियन के, इटली के मैन ऑफ विजडम माने जाते थे अरेबिक में, एल्ब सिना, ठीक है, ये कौन थे, अरब फिजिशियन थे, फिलोसोफर हैं एक बुखारा के सेंट्रल एशिया में, यानी कि कहने का मतलब है अलग नाम आपको दिए गए हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर काम कर रहे थे। अब आपको ये नहीं है कि आप हर एक नाम रटने बैठ जाओगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रटने बैठ जाओ, बट हाँ समझ लो, जैसे अल रज़ी हैं जो मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया पे काम करते थे, तो ऐसे अलग अलग लोग थे जो अलग अलग चीज़ों पे काम किया करते थे। ठीक है, जैसे आपके लम्न रश्द हैं, ठीक है, स्पेन के थे, अरबी फिलोसोफर थे, स्पेन से आते थे। ठीक है, उन्होंने किस बारे में बात करी, जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है और जो रिलीजन है उनके बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है, कि जो सिद्धांतों को पढ़ते हैं वो धर्म पे कहने का क्वेश्चन उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई, और यहाँ से क्रिश्चियन थिंकर्स ने इस चीज़ों को अपने को डेवलप करना शुरू करा। अगर हम इसके अलावा ह्यूमैनिस्ट की बात करें तो ह्यूमैनिस्ट बहुत सारे तरीकों में रीच करते हैं, उन्होंने बहुत आगे आगे तक काम करे। जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एक करिकुलर लाया कि पहले जो लॉ और मेडिसिन, थियोलॉजी, इन सब पे डोमिनेटेड थी सब चीज़ें, अब धीरे धीरे ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट भी वहाँ पे आने लगे, ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट को भी वहाँ पे क्या मिलने लगी, तवज्जो मिलने लगी, इटली में स्पेशली, कि यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी इटली में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में धीरे धीरे अब ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट, जो हमने देखा ग्रामर, हिस्ट्री, कल्चर आपका, आपकी रीडिंग्स, राइटिंग्स, ठीक है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट आगे करने लगे। ठीक है, कई बार क्या था, यूरोपियन स्पेलिंग्स में जब हम किसी का नाम लिखते थे ना, तो कई बार लोगों को लगता था कि ये जो अरबी लोग हैं ये भी यूरोप के थे, लेकिन क्या बात है कि ट्रांसलेशन हुए इन चीज़ों के, तो इन लोगों ने क्या किया, ज्ञान का वर्धन किया, ज्ञान बढ़ा हमारा, तो इस वजह से चीज़ें और ज़्यादा वहाँ पर लाइक पुनर्जागरण वाली सिचुएशन आई।
अब बात है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म की, वास्तविकता यथार्थवाद को उतारा जाना था। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ह्यूमैनिस्ट की शेड में जो एज है, जो लाइक एक टाइम आया जहाँ पे आर्ट और आर्किटेक्चर और बुक्स को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिस्ट आइडिया से देखा जाने लगा। तो एक आर्ट की बात करी गई है, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे दी गई है कि कोई भी आर्ट हमेशा नेचर से निकल के आती है। अगर वो नेचर से निकल के नहीं आ रही है, अगर आप उसे जितना रियलिस्टिक बनाना चाहते हो वो उतना रियलिस्टिक तब बनेगी जब आप उसे नेचर से निकाल के ला रहे हो। अगर कोई आर्टिस्ट है और अगर अपनी आर्ट को वो खुद से भी निकाल रहा है ना, तो उसकी इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं नेचर और लाइफ उसके अंदर बैठा हुआ है, और अगर वो बैठा हुआ नहीं है तो वो अपनी रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये एक थॉट है एल्ब्रेस्ट ड्यूरर का, ठीक है। तो वो मतलब इम्पोर्टेंस बताते हैं रियलिज्म की। तो यहाँ पे देखो ये स्केच है, देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है कि वो प्रे कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या दिखाया जा रहा है कि रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होने लगी थी, धर्म के बारे में लोग ज़्यादा बात करने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इटालियन कल्चर जो 16th सेंचुरी में इमर्ज होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, डीपली रिलीजियस था और इस कॉन्फिडेंस के साथ था कि एक मैन भी एक परफेक्शनिस्ट हो सकता है। तो इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करते थे इस वर्ल्ड की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड, लाइक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड माना जाता था, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें तो देखो आगे क्या है, हम चलते हैं, इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर होने लगे जब उन्होंने पास्ट के बारे में पढ़ा। जी हाँ, पास्ट के टाइम पे स्टार्टिंग में रोमन कल्चर ने भी कभी इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई होगी, कि बाद में जब हमने देखा है कि रोमन कल्चर की हिस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगे, एक्साइटमेंट आने लगी, एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ने लगे, और टेक्स्ट के साथ साथ टेक्स्ट तो फिर भी पहले पढ़ा जाता था, अब क्या होने लगा कि वो आर्ट फॉर्म को देखने लगे कि क्या क्या चीज़ें बची थी। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट जो आप टर्म यूज़ करते हो ना, कि वो देखते हैं क्या चीज़ थी हिस्ट्री में, वो चीज़ें इमर्ज होने लगी थी परफेक्टली। वो चीज़ें क्या देखने लगे थे कि कैसे वुमन और मैन को पोर्ट्रे किया जाता है, कैसे उनके मतलब रियलिटी को दिखाया जाता है, बिल्कुल ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल लाइफ लाइक स्टैचूज बनाते थे एक डोनाल्ड टेलो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लाइक परफेक्शनिस्ट थे इस चीज़ में कि वो रियलिटी दिखा सके, लाइफ लाइक स्ट्रक्चर दिखा सके, कि वो जीवंत हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और आपको पता है यूपीएससी के लिए भी आर्किटेक्ट, कल्चर, आपकी ट्रेडिशन, कल्चर से हिस्ट्री में क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। यहाँ देखो रियलिस्ट दिखा रखा है कि क्या है, ये जेसस क्रिस्ट हैं, मतलब जब उन्हें असेसिनेट कर दिया गया था उसके बाद वो उनकी गोद में पड़े हैं, ठीक है। द पेटाइस पेंटिंग का नाम है, ठीक है, कि मैरी ने जेसस को होल्ड कर रखा है, ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अगर हम इसके आगे बातें करें तो अब जो आर्टिस्ट थे वो पूरे कंसर्न थे इस पे कि वो साइंटिस्ट के रूप में वर्क करें। क्यों? क्योंकि वो रियल से रियल चीज़ें दिखाना चाहते थे। अब रियल से रियल चीज़ें क्यों? अब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे कि वो क्या करने लगे थे, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के आसपास जाने लगे थे, यूनिवर्सिटीज़ में, पाडुआ में जाके मेडिसिन को सीखने लगे थे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें बोन के स्ट्रक्चर देखने थे। मॉडर्न जो फिजियोलॉजी है यहाँ से इमर्ज होती है कि जब लोग बॉडी को खोल खोल के देखने लगे कि हड्डी का स्ट्रक्चर कैसा था। अब सोचो कि किस तरह से चीज़ें, कल्चर से हमने बायोलॉजी को इमर्ज कराया, बायोलॉजी से किस तरह पेंटिंग रिलेट करती है, हम सोच भी नहीं सकते थे शायद पहले, ठीक है। ऐसे ही ये कौन है, लियोनार्डो द विंची, बहुत ही पॉपुलर है, जिन्होंने खुद की पोर्ट्रेट बनाई है, और साथ में उन्होंने क्या बनाई है, उन्होंने ही बनाई थी आपकी जो मोनालिसा की पेंटिंग है, जो एक लव का सिंबलाइजेशन माना जाता है, ठीक है। सेल्फ पोर्ट्रेट क्या है, उन्होंने अपने आप को देखो ये रहा, अपनी खुद की पेंटिंग बनाई है, ठीक है। उनका सपना था कि वो उड़े, तो वो बर्ड को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। और बाद में खुद के लिए उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन भी डिज़ाइन करी। अब देखो एक आर्टिस्ट है, इतना अच्छा ड्राइंग करता है, उसकी पोर्ट्रेट है, ठीक है, साथ में क्या कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट जिसे आप टर्म देते हो आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो उस टाइम वो पढ़ रहा है, ठीक है। साथ में आप देखो कि कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे एंड्रेस वेसेलियस, जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बोन को बनाना सीखा, देखा उसे, क्यों? क्योंकि वो आर्टिस्ट लाइक रियलिस्ट देखना चाहते थे। तो ये बात है कि इन रियलिस्टिक चीज़ों से जब चीज़ें इमर्ज होने लगी, इन्हें अपना कल्चर प्रेवलेंट करने लगा, तो कल्चर से ही कितनी सारी चीज़ें निकल के आने लगी। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कर जाते हैं, एक तरह से ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है। तो ये जो पेंटर्स थे, अब जो ओल्डर वर्क था, ठीक है, सिर्फ उन्हें यूज़ नहीं करते थे एज अ मॉडल कि हमें वही करना है, अब वो क्या करते थे कि स्कल्पचर्स का यूज़ करते थे, कि स्कल्पचर बनाएंगे, मूर्तियाँ बनाएंगे, ये नहीं है सिर्फ पेंट करेंगे, ठीक है। और उन्हें जितना रियल हो सके मूर्तियों को उतना रियल बनाते थे। कहा जाता था कि ज्योमेट्री से आप एक चीज़ें दिखा तो सकते हो, ठीक है, कि आपने ज्योमेट्रिकली लाइन खींची, ये करा वो करा, आपने ड्राइंग कर दी कुछ भी, लेकिन अगर आप चीज़ों को और रियलिस्टिक दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखा सकते हो,
फिर जो आप ऑयल पेंटिंग आज करते हो ना कि ऑयल को कलर्स में मिक्स करके और वो रियल बन सकता है, तो वो वाली चीज़ें इमर्ज होती हैं यहाँ से, और रिचनेस मिलती है कलर्स को अगर आप उसे पेंटिंग को इस तरह से करो तो। कॉस्ट्यूम के डिज़ाइंस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगी, चाइनीज़ और पर्शियन आर्ट का कॉम्बिनेशन मिक्स होने लगा। जैसे ही मंगोल लोग आए तो उन्होंने मंगोल लोगों ने इटली में एक कल्चर स्टार्ट किया चाइनीज़ और पर्शिया का। क्यों? क्योंकि मंगोल लोग तो चाइनीज़ साइड में थे और वहाँ से वो इटली में आ रहे थे व्यापार करने, तो अपने साथ कल्चर लाए, अपने साथ ट्रेडिशंस लाए, अपने साथ चेंजेस लाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती गई, ठीक है। अगर हम इसके आगे देखें तो अब क्या होने लगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ इमर्ज होने लगी। फिज़िक्स है, एनाटॉमी है, ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें, ये जब चीज़ें कंबाइन होने लगी तब आप इन्हें यथार्थवाद कहते हो कि जितनी चीज़ें ऑब्जर्व करी जा सके, ठीक है, उसे जब उन्होंने आर्टिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट करने लगे तो वही आपका क्या है, रियलिज्म कहलाता है, यथार्थवाद कहलाता है। अब देखो किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, आर्किटेक्चर को पढ़ा जाने लगा 1417 के अराउंड, ठीक है। जो पॉप्स वगैरह थे, लाइक 1417 से क्या हुआ, जो पॉप्स थे वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, क्योंकि पहले के जो वीक पॉप थे, ठीक है, जो मतलब ये था कि इलेक्शन के बेसिस पे आए थे पॉप, वो बहुत वीक हुए, फिर धीरे धीरे लोगों का जो बिलीव था वो बढ़ा दूसरे लोगों के ऊपर, ठीक है। तो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर जो पॉप थे उन्होंने अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, क्या अब पैट्रोनाइज कर दिया गया, यानी कि एक तरह से जो आर्टिस्ट वगैरह थे उन्हें, जो पावरफुल लोग थे उनसे क्या मिलने लगा, फ़ायदा मिलने लगा, फ़ायदा इन द सेंस कि थोड़ा सपोर्ट मिल गया, इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल गया। तो इससे बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर हुई, जो पुराना रोम का कल्चर था उसे लाया गया, जो आर्कियोलॉजिस्ट स्किल आई, आर्कियोलॉजी आई कि चीज़ों को खोज करके और वहाँ से गुण निकाल के कि कैसे कैसी थी पहले चीज़ें, वो ऑब्जर्व करके उन्होंने पुरातात्विक चीज़ों को आगे निकाला, ठीक है। नया स्टाइल इमर्ज किया, रोमन स्टाइल इमर्ज करा, ठीक है, और पॉप्स वगैरह क्या करते थे, इन चीज़ों को सपोर्ट मिला। तो बहुत सारी बिल्डिंग ऐसे डेकोरेट हुई, पेंटिंग्स, स्कल्पचर बनाने वाले, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो आर्किटेक्चर भी होते थे, पेंटिंग भी बना लेते थे, ड्राइंग भी कर लेते थे, तो इतने पॉपुलर हमें लोग मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक इटालियन आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं, कुछ लोगों के नाम कैसे, कि एक एग्जाम्पल है मिकांगले, देखो यहाँ पे मिकांगलो बुरांटो, तो उसमें दिखा रखा है कि उन्होंने सीलिंग पेंट करी, क्यों पॉपुलर है वो, उन्होंने सीलिंग पेंट करी, ठीक है, एक पॉप की यहाँ की, कि वहाँ के चर्च स्कल्पचर बनाया द पिएटा, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इसके अलावा डिज़ाइन करा उन्होंने सेंट पीटर्स की चर्च को, इसलिए वो रोम में बहुत ज़्यादा क्या थे, इतनी वृद्धि उन्होंने पाली बहुत ज़्यादा वाली। इसके अलावा क्या थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मैंने आपको बताया कि जैसे आर्किटेक्चर भी होते थे और ये जो आपके स्कल्पचर्स हैं वो भी बनाते थे, तो फ्लोरेंस वगैरह में भी ये एज अ करियर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, मूर्तिकार का करियर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। अब क्या है, अनदर रिमार्केबल चीज़ क्या थी कि अब जो है, अब मूर्तिकार हैं या फिर आर्टिस्ट हैं वो किसी गिल्ड से एसोसिएटेड नहीं थे, कि आपने उनके सिर्फ ग्रुप का नाम दे दिया, सिर्फ ग्रुप का नाम नहीं आता था, अब आर्टिस्ट का इंडिविजुअल नाम आता था। अभी हमने देखा ना स्टार्टिंग में कि किस तरह से मैन की इंडिविजुअल स्किल्स को एनहांस किया जाने लगा, तो मैन की इंडिविजुअल स्किल्स ऐसी तो एनहांस होंगी जब आप उसे इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ का एक जो हमारा पार्ट वन है वो कंप्लीट होता है, और अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस आती है, वो किस तरह से इमर्ज होती है, कैसे पूरा कल्चर रेनेसा का पुनर्जागरण होता है। और पुनर्जागरण एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में या आगे की चीज़ों में, जब आप पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ोगे तो एरिस्टोटल, प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ग्रेजुएशन टाइम में भी, अगर आप इसे अभी समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये इतना टिपिकल भी नहीं है, लाइक इलेवंथ में क्या है कि जब आप बेस से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसी के साथ अभी हम बात करते हैं यहीं पे ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे अपना ये चैप्टर, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, यूपीएससी आज क्वेश्चन भी देखेंगे कि आर्किटेक्चर से और इन सब से कैसे क्वेश्चन आते हैं, या रेनेसा से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमैनिज्म से कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आए हैं तो जो भी होगा मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।